चलो जॉन गाड़ी स्टार्ट रखना। एकदम फिक्र न कीजिए, मैं चमन को अपने बेटे की तरह से पालूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा भैया, ऐसा मत बोलिए भैया। भैया नहीं भैया। भैया मैं आपकी मौत का बदला उस रणजीत सिंह से जरूर लूंगा। लेकिन बॉस वो तो हमारी शक्लें पहचान गया। ये तो तुमने ठीक कहा। अरे भाई लक्ष्मी कहाँ हो, सो गई क्या? आज आपने बहुत देर कर दी, पप्पू और पिंकी आपका इंतजार करके सो गए। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए। नहीं पापा, मैं तो जाग रहा हूँ। अरे तू अभी तक जाग रहा है, शाबाश। तू अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता कि पप्पू के पप्पा कोई दफ्तर के बाबू नहीं है कि जो वक्त पर जाए और वक्त पर आए। ये पुलिस की नौकरी है। हाँ हाँ मालूम है, ये तीसरा टेलीग्राम है। माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, मुझे पहली गाड़ी से बुलाया है। अगर आप भी चलते तो। लेकिन लक्ष्मी कल तो मुझे बाहर जाना है, पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है। अरे हाँ वो भी उसी तरफ है, हम लोग सब मिलकर चलते हैं। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा, फिर अपने काम से चला जाऊंगा। लेकिन सुबह जल्दी चलना होगा। चमन बेटी, मैंने बड़े भैया से जो तेरे लिए वादा किया था, शायद मैं वो वादा ना निभा सकूं। मैं तुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़े जाता हूँ, मगर जब वापस आऊंगा तो जरूर ले लूंगा तुझे। तू नहीं जानता बेटे, मुझे पहले रंजीत सिंह से हिसाब चुकाना है। ले पिंकी, ले बेटे। ये तो सोने का मालूम होता है। हाँ। तुम तो जानती हो लक्ष्मी की मेरी आमदनी इतनी है नहीं, फिर ये कहाँ से आया? ये आपकी कमाई नहीं है, मेरे मैके की है। अरे भाई इस पर तो कुछ लिखा हुआ भी है,
आर एल, इसका क्या मतलब? आर से आपका नाम, एल से मेरा। ओ, तो अब समझ में आया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर वालों ने इन बच्चों पर हम दोनों की मुहर लगा दी। तुम्हारी मौत का बदला तो मैंने दे दिया। कमीने, काश मैं पुलिस ऑफिसर न होता, तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को खिलाता। हे भगवान, ये किसकी बच्ची है? नर्मदा मैया, तू कितनी दयालु है। ये गरीब विधवा पर तूने बड़े कृपा की, मुझे जिंदगी का सहारा दे दिया। हे भगवान, हे भगवान। जय भोलेनाथ। बापू बापू, नदी के किनारे एक लड़का पड़ा हुआ है। लड़का जिंदा मालूम पड़ता है। आओ सरदार, ये अभी तक जिंदा है। बेटे आंखें खोलो, बेटे बेटे बेटे। डरो नहीं बेटे, डरो नहीं। हम डाकू जरूर हैं, मगर हमारे दिलों में भी दया और ममता है। वाह भोलेनाथ वाह, आज के शिवरात्रि के दिन तुमने मुझे बेटा दिया था और मैंने उसका नाम शंकर रखा है। आज फिर शिवरात्रि के दिन तुमने मुझे मुझे दूसरा बेटा दिया, मैं इसका नाम भी तुम्हारे नाम पर शंभु रखूंगा। हाँ, ये मेरा शंकर है और ये शंभु। देकर जीपों को बाहर निकलवाओ। हरी आप, इन कंपक शंकर और शंभू ने तो परेशान कर रखा है। तो रात्रि हर बरस आती, लेकिन आज के दिन जो पिछड़े थे वो वापस नहीं आए। कितनी तलाश की होगी, अगर जिंदा होते तो अब तक आ जाते।
अब उनकी आस छोड़ दो लगी। ऐसी अशुभ बात मुंह से मत निकालिए। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है और एक दिन वो हमें वापस मिल जाएंगे। भगवान तुम्हारी जबान मुबारक करे। अरे दुहाई है ठाकुर, दुहाई है। शांत रखा धनी राम ने कहा बताएं ठाकुर, वही खाते पर अंगूठे का निशान ले लेते हैं और 5 के 50 लिखता है ठाकुर। बच्चों के मुंह से रोटी छीन लेते हैं ठाकुर। तुम लोग चिंता मत करो, ये सच है कि हमारे पिता लाखन सिंह जिंदा नहीं रहे, लेकिन हम शंकर शंभू तुम लोगों पर अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों छोटे ठाकुर? बात समझ में आई बड़े ठाकुर। आज धनी राम की हवेली पर किला ठोके देते हैं। सेठ जी, अब भी मेरी राय मान लीजिए, 4-6 कांस्टेबल आपकी हिफाजत के लिए हवेली में रख देता हूँ। नहीं खानदार साहब, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, हमारे पास बंदूक भी है और गोलियां भी। क्यों सेठ जी? ठीक है मुनीम जी। हाँ थानेदार साहब, आप बाहर का मोर्चा संभालिए, अंदर की चिंता मत कीजिए। मुनीम जी निकालो दोनों गोलियां, एक शंकर के लिए एक शंभू के लिए। जैसी आपकी मर्जी। जैसा तुम लोगों को समझाया है वैसे ही जाके अपनी अपनी पोजीशन लो। ओके सर, चलो। अभी हटा देते हैं। अंदर गोली डालो। नहीं होता हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया ना। ये भी हमें मालूम था, मुनीम के बच्चे मरवा दिया। मरने का फकत नहीं आया लाला। बच्चे पकड़े से लाला, इस बार तो तुम्हारे वही खाते चला रहा हूं। अगर आइंदा तुमने गांव वालों के साथ बदमाशी की तो इनकी बजाय तुम्हें जला दूंगा, समझे? छोटे ठाकुर, काम हो गया? हो गया बड़े ठाकुर। बड़े ठाकुर, इसके पास तो 2 नाली भी है। ये तो मेरी हिफाजत के लिए है। हिफाजत के बच्चे?
राम राम हवलदार। राम राम। हाँ हाँ आजादी आजादी। भतीजे। चाचा जी, चाचा जी। मेरे भतीजे जीते रहो। भतीजे मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने साल तुमने यतीम खाने में गुजारे। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है चाचा जी, आपने भी तो इतने साल जेल में गुजारे हैं। ये तो है, मगर जानते हो भतीजे इतने साल मैंने जेल खाने में क्यों गुजारे? इसलिए कि मेरा और तुम्हारा भविष्य राजाओं जैसा हो। हाँ चलो। कहाँ है शंभू ठाकुर? मैं तुम सबसे पूछता हूँ ठाकुर शंभू कहाँ है? सज्जन सिंह ठाकुर वो मुन्नी भाई के यहाँ गए हैं। दरवाजा खोलो। कौन है? पुलिस। लेकिन जाओ। हमें इत्तला मिली है डाकू शंभू यहाँ आया है। कहाँ है वो? यहाँ तो कोई नहीं आया, आप तलाशी ले सकते हैं।
तो फिर ये तुम नाच गा किसके लिए रही थी? वो तो मैं रियाज कर रही थी, जैसे आप रियाज कर रहे हैं। साहब उस तरफ तो कोई नहीं है। शायद हमें तला गलत मिली है। आओ मेरे साथ। करने का नतीजा यही होता है छोटे ठाकुर। चलो रात को खुदाई क्यों कर रहा है? जरूर कोई चोर मालूम होता है छोटे ठाकुर, और चोरों का माल लूटना हमारा धर्म है। फिर देर किस बात की है, चलें। हमारी तकदीर सही जगह पर इतने दिन के बाद। कौन हो तुम लोग? परदेसी मालूम होता है छोटे ठाकुर? शायद इसीलिए नहीं जानता बड़े ठाकुर। आखिर बताओ कि तुम लोग कौन हो? हो ये तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, बता दो बड़े ठाकुर। मेरा नाम है शंकर। और मेरा नाम है शंभू। बात समझ में आई? चलें बड़े ठाकुर। मेरा नाम भी कुंदन है। अगर तुम लोग सात समंदर पार भी चले गए ना, तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मुन्नी भाई, पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है कि डाकू शंभू तुमसे प्यार करता है और अक्सर तुमसे मिलने यहां आता है। एक बार फिर सोच, शंभू को पकड़वाने में पुलिस की मदद करोगी तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा और नाम भी। मुन्नी भाई का नाम तो वैसे ही मशहूर है। थानेदार साहब, जिंदगी की डोर एक बार किसी के साथ बांध ली तो हमेशा हमेशा के लिए बांध ली। अब उसे नाम और इनाम का लालच कभी नहीं तोड़ सकते। मुन्नी भाई,
जैसे बकरा कसाई की छुरी से कभी नहीं बच सकता, उसी तरह एक डाकू पुलिस की गोली और फांसी के फंदे से कभी नहीं बच सकता। शंभू से शादी करके तुम्हें मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा साल दो साल का सुहाग और फिर विधवा की जिंदगी। इनाम के 50,000 भी तो साल दो साल ही चलेंगे थानेदार साहब, और अगर विधवा हो गई तो शंभू ठाकुर की विधवा कहलाऊंगी। ठीक है, अरे जियो मुन्नी भाई, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है कि लाजवाब कर दिया बेचारे थानेदार को, और फिर गुनाह है बेलज्जत से क्या फायदा, डूब मरने के लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफी है। आपकी तारीफ? अजी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अजी मुझे कहते हैं कुंदन, बंबई से हाजिर हुआ हूँ। कोठा तो बड़ा शानदार है साहब, माफ कीजिएगा, साल भर की कमाई की औसत क्या हो जाती होगी? ये कोई बनिए की दुकान नहीं कुंदन बाबू, तवायफ का कोठा है, आता है तो बेहिसाब आता है। कितना ले लेती हो? जितना भी मिल जाए। मेरा ख्याल है 20-30 हज़ार तो हो ही जाते होंगे, कभी कभी 50 भी। मगर माफ करना, ये सदा नहीं रहेगी कमाई, मेरा मतलब है कि जू जू उम्र बढ़ती जाएगी कमाई घटती जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो 20 साल की जवानी और समझ लो, तो 50,000 रुपए सालाना के हिसाब से बुढ़ापे के लिए 10-12 लाख से ज्यादा क्या जमा कर पाओगी? और अगर मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दे दूं तो? 25 लाख? जी हाँ, शंकर शंभू ने मेरे 50 लाख रुपए छीने हैं, तो अगर वो माल तुम मुझे दिलवा दो तो 25 तुम्हारे और 25 में। लेकिन मैं वो मैं सब सुन चुका हूँ, शादी तुम शंभू से करना मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो अपना माल चाहिए। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो। अरे मुन्नी भाई, तीर और तलवार का वार खाली जा सकता है, अगर प्यार का वार खाली नहीं जाता। ठीक कहते हो तुम, मुन्नी भाई की मदद से शंकर शंभू को गिरफ्तार करने में हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, और उसके बाद मेरी तरक्की वो तो कहीं नहीं गई। और सरकार, उसके बाद हमारा 50 लाख भी कहीं नहीं गया। 50 लाख? जी हाँ, लेकिन इनाम तो 50,000 रुपए का है। सरकार आप बात नहीं समझे, हम गरीबों के लिए वो 1,000 रुपया जो है ना, वो भी तो लाखी के बराबर है। माफ कीजिएगा, एक बात पूछूं आपसे, मुन्नी भाई के साथ आप पुलिस कैसे भेजेंगे? माफ कीजिएगा, वो डाकू लोग जो है ना, वो कोई अंधे थोड़े ही हैं। अरे अब देखना तुम थानेदार जर्नैल सिंह का कमाल, फेस बदलना डाकुओं को ही नहीं हम पुलिस वालों को भी आता है। सरदार, मुन्नी भाई आ रही है। मुन्नी भाई बड़ी जो, यही तो इम्तिहान का समय है। मैंने कहा ना लड़की हिम्मत वाली है, अब उसे आने तो दो, देखें तो सही क्या कहती है। क्या चाहती हो तुम? बड़े ठाकुर, मैं शंभू से ब्याह रचाने आई हूँ, और साथ में पंडितों को भी लाई हूँ जो फेरों के मंत्र पढ़ेंगे, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। कोठे की बाई ठाकुरों के घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन मैंने वो धंधा छोड़ दिया है। औरत की जात एक कोरा कागज होती है। बड़े ठाकुर, मैं मुजरा जरूर करती थी, लेकिन मैंने अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं किया, और फिर जिस तरह लकड़ी के साथ लोहा तैर जाता है, उसी तरह शंभू ठाकुर का दामन पकड़कर मैं भी पार हो जाऊंगी। क्या? बड़े ठाकुर बात समझने की कोशिश करो। छोटे ठाकुर तुम इस बीच में मत बोलो। लेकिन बड़े ठाकुर आप। छोटे ठाकुर, तुम इस माल को ले जाके छुपा दो। लेकिन बड़े ठाकुर इस बात का फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ।
आज तुम या तो मेरा हुक्म मानो या हमेशा हमेशा के लिए जाकर कोठे में इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बसर करो, और मैं समझूंगा कि चंबल घाटी का छोटा शेर आज मजनू बन गया। ये डाकू बड़े कमीने होते हैं, ऐसा तो नहीं कि तुमको नकली माली टिका दिया उन्होंने। मेरा आधा हिस्सा लाओ। ओ, अरे भाई मैं तो समझ रहा था घर चलेंगे कुछ, और उसके बाद मुझे यही चाहिए।
ठीक है, अगर यही चाहिए तो तुम अपने हाथ से ले लो। 10-20 मुन्नी भाई, आधा आधा करना कुंदन ने कभी सीखा ही नहीं। गाड़ी 10 मिनट के लिए रोक दीजिए, इससे दो मशहूर डाकू जा रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। शरद, तुम इस तरफ से जाओ। हरी अप, जाओ। शंकर शंभू का कहीं कोई पता नहीं। आए तो कम वक्त इसी तरफ थे, जाने कहां चले गए। यहां से चलकर सीधी बंबई स्टेशन पर रुकती है। बॉम्बे? कम ऑन। छोटे ठाकुर, हाथ तो देखो। बड़े ठाकुर, हाथ रहेगा कि कट जाएगा? अरे नहीं छोटे ठाकुर, गोली सिर्फ छूकर निकल गई। हम जा कर रहे हैं बड़े ठाकुर। अब तो छोड़े ठाकुर, जहां किस्मत ले जाए। तौबा तौबा तौबा। ओहो ओहो, बड़े ठाकुर, इन मकानों में आदमी रहते हैं या कबूतर? पता नहीं छोड़े ठाकुर, मुझे तो ऐसा लगता है कि कव्वे रहते हैं। माँ, डॉक्टर ने कहा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। बेटी, मैंने सब सुन लिया जो डॉक्टर ने कहा है। ना हमारे पास लाख रुपए होंगे, ना मेरा इलाज होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो साथ, क्या चलो है? एक मिनट, वो दो त्याती देख रही है वो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं बोरी बंदर से उसका पीछा करते हुए आ रहा हूँ। अच्छा, उसके पास जो बेटी है ना, उसमें लाखों का माल है। लाखों का? लाखों का माल? हाँ। तब तो फिर लाइन क्लियर, तू यही खड़ा रहे, मैं भी आ जल्दी आ जल्दी। माँ, तुम जरा घर की तरफ जाओ, मैं बड़े डॉक्टर को मिलकर आती हूँ। हाँ बेटी, डॉक्टर के पास जाकर घर पर जल्दी आ जाना। तू फिक्र मत कर माँ। राजू। हाँ। चल हम दोनों को उल्लू बनाते हैं। चल चल, भैया भैया, वो गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। कौन गुंडा? वो देखो वो। ठाकुर, सोचते क्या हो छोड़े ठाकुर, शुरू हो जाओ, इसे संभालो। अबे ओ, किसी की माँ बहन को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझको? कौन सी माँ, किसकी बहन? अबे वो बड़े ठाकुर, लड़की भी गायब और बेटी भी गायब। माफ करना। माफ करने की बच्ची, फिर चोरी किया तुमने? चल थारे, चल। अरे ओ, मेरे हाथ तो छोड़ो। चल अंदर, चल। मेरा हाथ तो छोड़ो बाबा, चोरी ही की है, किसी का खून थोड़ी किया है। खबरदार, ये सब क्या है? सरकार, ये किसी की पेड़ी चोरी करके भाग रही थी। चोरी करके नहीं, उठा के भाग रही थी। उठो, उठो। की है ये बेटी? मुझे क्या मालूम, दो परदेसी थे, गवार मालूम होते थे। शायद 20-25 का माल हो। लाइए, मैं उनकी पेटी वापस कर दूँ। हमारे पास जब चोरी का माल आ जाता है
तो वापस नहीं किया जाता है, बाकायदा उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, चाहे माल 20-25 रुपए का हो या 25 लाख का। आईजी रंजीत सिंह स्पीकिंग। क्या उसमें लाखों का माल है? ठीक है, तुम चोर को हिरासत में रखो, मैं भी आता हूं। कहाँ है वो? यहाँ है सर, ये रहा। वायरलेस की रिपोर्ट के मुताबिक चंबल के मशहूर डाकू शंकर और शंभू का लूटा हुआ ये माल है। वो चोर कहाँ है? जी जी वो मैं हूँ। चोरी करती? जी हाँ। मगर क्यों? मजबूरी है। ठीक, तुम जा सकते। सुनो, जानती हो हम तुम्हें क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि तुम शंकर और शंभू को जानती हो, और वो जहां भी तुम्हें नजर आए या तुम्हें मिले, अगर तुम इसकी इत्तला पुलिस को दो तो तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम के मिल सकते हैं। 2 लाख रुपए? हाँ, 2 लाख। फिर तो लाइन क्लियर। लाइन क्लियर जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। इंस्पेक्टर। यस सर। इस पेटी को सील करके हेडक्वार्टर में जमा करा दो। बहुत अच्छा सर। और हर चेक पोस्ट पे ये कह दो कि शंकर और शंभू आजकल बॉम्बे में आए हुए। छोटे ठाकुर, हमारी किस्मत में औरत जात से ही धोखा खाना लिखा है। वो छोरी एक ही झटके में मालामाल से कंगाल कर गई। बड़े ठाकुर, मुझे तो भूख लगी है, चलो कहीं किला ठोकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो छोटे ठाकुर, अभी अभी बड़ी मुश्किल से पुलिस से जान बचाई है। तो फिर क्या करें? कुछ पैसे हैं जेब में? अरे 5-7 रुपए, बड़े ठाकुर बहुत है, 2 वक्त के खाने के लिए बहुत है, चलो। साथ मुजरा भी दिखाते हैं। बड़े ठाकुर, मुंह डर करके खा लेते हैं। चल। बड़े ठाकुर, ₹205 पैसे निकालो, पैसे। छोटे ठाकुर, इसने शायद खाने के साथ साथ नाच देखने के भी पैसे ले लिए। अबे अपने हिसाब से जाके कह दो कि हमने खाना खाया है, नाच नहीं देखा। ये खाने के पैसे हैं, नाच के नहीं। अबे ओ, तू मजाक कर रहा है क्या? बड़े ठाकुर, इसे शायद पता नहीं कि एक पूरा खानदान 1 महीने के लिए 205 रुपए में खा सकता। अपने पास तो 7 रुपए हैं,
वो चाहिए तो ले लो। हाँ ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? 5 रुपए का खाना खाया साहब, बिल माना तो दादा गिरी बताते हैं। ऐसे कड़के लोगों को हमारे होटल में आने क्यों देते हैं? भूखे कुत्तों की तरह डेढ़े चाट गए और पैसे मांगने पे भौंकते हैं। अबे ओ, ज़बान संभाल कर बात कर। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। अरे पुलिस की तो छोटे ठाकुर। बड़े ठाकुर आपकी वजह से मैं चुप हो गया वरना इस अपमान का बदला मैं। अपमान का बदला लिया जाएगा छोटे ठाकुर। इस बंबई नगरी में कीला ठोकने का उद्घाटन यहीं से शुरू करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई। चलो चौकीदार चौकीदार। आज जिस तरह से तुम्हारे आदमियों ने भोजन के बाद हमारा स्वागत किया था कल रात उसी प्रकार हम तुम्हारा स्वागत करने आ रहे हैं। अपमान का बदला अपमान। शंकर शंभु। Give me all this nonsense. I know everything. Julie, get my drinks. And you better be careful, John, next time or you will be out. Chatterji. Ah, wow, Bhatije. Out, you too. Agent 301 is speaking. हम तुम्हारा काम से बहुत खुश है। तुम्हारा कमीशन का 5 करोड़ रुपया हम तुमको देगा। रुपया? अरे रुपया लेकर हिंदुस्तान में क्या करेगा? हम तुमको 5 करोड़ का डायमंड देगा। 5 करोड़ का डायमंड? हाँ बाकी का इंस्ट्रक्शन हम तुमको आने के बाद देगा। ओवर। 5 करोड़ के हीरे। हाँ भतीजे तुम क्या कह रहे थे? जिन दो देहातियों को अपने होटल मैनेजर ने धक्के देकर बाहर निकलवाया था उन्होंने हमारे होटल के दरवाजे पे ये धमकी का खत ठोक दिया। ये उल्लू के पट्टे थे कौन? है कोई शंकर शंभू। शंकर शंभू? माय गॉड, आप इस झूठी धमकी को देखकर इतना घबरा क्यों गए? नहीं भतीजे, ये धमकी झूठी नहीं है, सच्ची है। ये शंकर शंभू दोनों चंबल घाटी के बड़े खतरनाक डाकू हैं। डाकू? और बॉम्बे शहर में? आईजी स्पीकिंग। हाँ हाँ हमको मालूम है शंकर और शंभू बॉम्बे में आए हुए हैं। आप इत्मीनान रखिए, पुलिस फोर्स के साथ हम शाम को वहां आ जाएंगे। ओके। समझ में आई बड़े ठाकुर, बंबई नगरी में लोग ज्यादा होंगे इसलिए पुलिस भी ज्यादा है। छोटे ठाकुर, पुलिस तो आगे है, हम उधर से काम दिखाते हैं। हाँ चलो, चलो। बड़े ठाकुर क्या बात है, आज तो सभी निशाने सही लग रहे हैं। क्यों नहीं छोटे ठाकुर, अपमान का बदला जो लेना है मैं चढ़ता हूं, तुम पीछे आना। हाँ
जय राम जी की। कमबख्त शंकर शंभू उल्टा लटका के चले गए। अरे तेरे पैर में बहुत तकलीफ होगी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। इंस्पेक्टर प्लीज हेल्प हिम। थैंक यू वेरी मच। हां मुसीबत है, माल सारा गायब। शंकर शंभू, अरे कोई और पुलिस वाला है यहाँ? आपको कब से पुलिस की जरूरत पड़ गई? आपका नाम शायद कुंदन है जी। इस उम्र में भी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने सही कहा, मैं वही कुंदन हूँ। मगर क्या है कि पोजीशन में जरा फर्क हो गया है। क्यों ना हो, यूं तो हुजूर आपकी पोजीशन में भी बहुत फर्क हो गया है। पहले आप एक इंस्पेक्टर थे, आज आप आईजी ऑफ पुलिस हैं और मैं इस होटल का प्रोप्राइटर हूँ। तो इसका मतलब यह है कि बैंक में डाका मारने के बाद आपने अपना सारा माल ठीक से फैला दिया। जी हाँ, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कह रहे हैं। मगर हुजूर, मुजरिम को जुर्म की सजा सिर्फ एक बार होती है और वो मैं काट चुका हूँ। खैर, इन पुरानी बातों को छोड़िए। आप तो शंकर शंभू से हमारी हिफाजत करने आए थे, उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। हमारी हिफाजत तो आप कर नहीं सके, कम अज कम शंकर शंभू को तो गिरफ्तार कर लीजिए। घबराइए मत, मुजरिम चाहे कितना ही पुराना हो जाए, गिरफ्तार जरूर होता है, कोई जल्दी कोई देर से। और फिर आपको तो अपना तजुर्बा है ही, आप तो भुगत ही चुके हैं। आए तो इधर ही थे कमक, पता नहीं किधर चले गए। चोर 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 हुजूर, दो चोर मेरी ड्रेसें चोरी करके भागे। अरे बेवकूफ, तो गोली क्यों नहीं चलाई? हुजूर ये फिल्मी बंदूक है, ये चलती नहीं, लेकिन इसकी वजह से कई फिल्में चल जाती है। कौन थे वो चोर? वही हुजूर, दो पठान जो इधर को भागे हैं। क्या? आओ मेरे साथ। आज सुबह बंदरबाज की शूटिंग कैसे होगी? घर में खाने को कुछ भी नहीं है बेटा, बस आज की रात पानी पीकर सो जा। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो तुम्हारे अब्बा को कल कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। भूखे भी हैं और नंगे भी हैं बड़े ठाकुर, लंगोटी बांधे पड़े हैं। छोटे ठाकुर, लगता है इन भूखों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? बात समझ में आ गई? अब्बा जान, नोट। भाई नोट कहाँ से आए? अल्लाह ने दिए हैं छप्पर फाड़ कर। हे भगवान, बस आज की रात निकाल दे किसी तरह। कल ही अपना मंगलसूत्र बेचकर मैं अपने सुहाग की रक्षा करूंगी। बड़े ठाकुर, ऐसा लगता है ये सारी बस्ती पानी से पेट भरने वालों की है।
सोच क्या रहे हो छोटे ठाकुर? तुम यहां से शुरू हो जाओ और मैं वहां से। बात समझ में आ गई। करना मर्दों का काम नहीं। तब फिर जगाओ। कौन है? दरवाजा खोलो तो पता चल जाएगा। क्यों लाला की जान, कौन हो तुम लोग? नालायक चक्की, पहचानने से इनकार करती है। नहीं छोटे ठाकुर, जब पुलिस ने हमें नहीं पहचाना तो ये छुरी क्या पहचानेगी? बात समझ में आ गई। तुम? अगर समझ में नहीं आया तो मैं भी निकालूं। कहाँ है हमारी पेटी? पेटी? बेटी, हाँ, बेटी, कौन है ये लोग? माँ, वो दोनों पेटी वाले। पेटी? ए माँ की बेटी, चुपचाप हमारी पेटी निकाल वरना लेटी की लेटी रह जाएगी। बेटी, हाँ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे दादा को दे दी है। दादा? किसका दादा? दादा को नहीं पहचानते, बॉम्बे का सबसे बड़ा बदमाश। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ और ले लो अपनी बेटी। बड़े ठाकुर, ठीक है छोटे ठाकुर, तो फिर चल, आज तेरे बाप दादा को भी देखते हैं। लेकिन याद रख, अगर हमें अपनी पेटी वापस नहीं मिली तो तेरा और तेरे दादा का बुरादा हो जाएगा। ओके ओके, लाइन क्लियर। मैं रोज एक ही प्रार्थना करती हूँ, हमारे बिछड़े हुए दोनों बच्चे हमसे मिला दो भगवान। आओ बिंदास चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौन हो बेटी तुम? जब बेटी का है तो बेटी समझ लीजिए। ए छोरी, ये रिश्ते नाते बाद में जोड़ना, पहले मतलब की बात कर। ये बता तेरा दादा कहाँ है? दादा? माँ जी, बात दरअसल ये है कि ये दोनों अपने से बड़ों को दादा कहते हैं, वैसे ही आपके पतिदेव से मिलने आए। अच्छा, अभी फोन आया था, बस आते ही होंगे। बैठो बेटी, बैठो। बैठ जाओ छोटे ठाकुर। बैठो बैठो, अब आ ही गए हो तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। लेकिन तुम बैठो पहले। हाँ हाँ, वो तो है। माँ जी, ये दोनों बच्चे आपके हैं? कौन, हम दोनों? अरे नहीं छोटे ठाकुर, मैं इन दो तस्वीरों की बात कर रहा था। ओ। हाँ बेटे, भाई बहन की जोड़ी थी, हमसे बिछड़ गई। लेकिन माँ जी, आपने उन दोनों की तलाश नहीं की? बहुत तलाश की लेकिन मिले नहीं। माँ जी, आप हमको कोई निशानी बताइए, हम उनको फौरन ढूंढ निकालेंगे। निशानी? ये तो तस्वीर और गले में। माँ जी, शायद आपके पतिदेव आ गए। हाँ वही है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बस क्या, आई जी की वर्दी देखी और डर गए? अरे भेद बदलना तो दादा का रोज का धंधा है। बात समझ में आई बड़े ठाकुर। वाह दादा वाह, तुम तो हमारे से भी एक कदम आगे निकले। इस यूनिफॉर्म में बिल्कुल आईजी ऑफ पुलिस लगते हो। अरे बड़े ठाकुर, इनको डाकू के कपड़े पहना दो तो डाकू लगेंगे। बात सही है छोड़े ठाकुर। सोच लो बरखुर्दा, टक्कर बराबर की है, इन कपड़ों में तुम भी तो पठान लगते हो। अरे दादा, ये दोनों वो पेटी वाले हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। दरअसल तुम्हारी पेटी गोडाउन में रखी है, मैं टेलीफोन करके अभी मंगवाता हूँ। पेटी चाहिए ना, मैं वो पेटी लेकर आती हूँ। हाँ। बड़े ठाकुर। जी साहब, वो मेरे 2 लाख रुपए तो पक्के हैं ना? अरे बेटी, पहले उन्हें गिरफ्तार तो हो जाने दो। पुलिस हेडक्वार्टर। छोटे ठाकुर, आदमी बहुत काया नजर आता है। बड़े ठाकुर,
ये तो मुझे अपना भी बाप नजर आता है। एक बात का ख्याल रखना, जब वो बेटी आ जाए ना, उसका बराबर मुआयना करना, कहीं सुसरे ने हेरा फेरी ना किया हो। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। आप तो घर पे आ गए हैं, देखा आपने हमारे गैंग के आदमी कितने होशियार हैं। ये कांस्टेबल का ड्रेस पहनकर अपने को असली कांस्टेबल समझता है और हमको असली आईजी। जाओ सबसे कहो कि अपना ड्रेस उतार दें। अच्छा सर। वाह दादा वाह, आपको तो मान गए, वाकई आईजी लगते हैं आप। साहब धंधा ही कुछ ऐसा है। डीएसपी माथुर साहब का फोन आया था पुलिस स्टेशन। बड़े ठाकुर ये धोखा है। शंकर शंकर अपने हाथ ऊंचे करो। पीछे चलो पीछे। माफ करना माता जी, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। लक्ष्मी जाओ, शंकर शंभू दरवाजे से भागे, उनका पीछा करो। भागो। आईजी साहब वो दोनों डाकू तो बचकर भाग गए, अब मेरा क्या होगा, वो दोनों तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिकर न करो बेटी, हम तुम्हारे घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगा दें। पुलिस। सकाराम ऊपर जाओ, राम सिंह उधर देखो, राम सिंह जल्दी करो। कोई नहीं। इस पानी में तो देखो कहीं यहां तो नहीं छिपे हैं। चलो बड़े ठाकुर। छोटे ठाकुर तुम ठीक हो ना? तुम यहां कैसे? पानी सुरंग मंदिर के पीछे। बात समझ में आई छोटे ठाकुर, अब तो ऐसा लगता है कि शहर में छुपने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं। बस अब यहीं डेरा डाल लो। बिल्कुल ठीक छोटे ठाकुर, और फिर भोलानाथ भी यहां है हम दोनों की रक्षा करने के लिए और दुश्मनों को खत्म करने के लिए। लेकिन बड़े ठाकुर इस बंबई नगरी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जानते हैं आप? कौन छोटे ठाकुर? अरे वही नागिन जो सबसे पहले तो हमारा माल ले गई और उसके बाद हमें मूर्ख बनाकर आईजी के घर भी ले गई। ठीक कहा छोटे ठाकुर, ठीक कहा। तुम इस जगह की साफ सफाई करो और मैं उस छोरी को धर ले आता हूं, और फिर भोलानाथ जो उसकी किस्मत का फैसला करे उसे वही सजा मिलेगी। मैं चलूं? लेकिन बड़े ठाकुर सरकारी छोकरों से बचकर। तुम फिक्र मत करो छोटे ठाकुर, मुझे इन लोगों से निपटना आता है। अपना गिन तू बच के नहीं जाएगी। तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, वो दोनों डाकू थे, चंबल घाटी के मशहूर डाकू शंकर शंभू। दोनों पर एक एक लाख का इनाम है, पकड़े जाते तो आज मुझे 2 लाख रुपए मिल जाते और तुम्हारा इलाज हो जाता, फिर लाइन क्लियर। तूने सिर्फ मेरे इलाज का सोचा बेटी, इन सब से तू पूछ जिनके घरों में वो हजार हजार रुपए डाल गए हैं। माँ मुझे मालूम नहीं था, वरना इतना बड़ा पाप मुझसे कभी नहीं होता माँ, कभी नहीं होता। अब पछताने से क्या होता है,
शंकर शंभू की जटाओं से जो गंगा की धारा अपनी बस्ती में बहने वाली थी, उसे राधा बहन तुम्हारी बेटी ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। शंकर शंभू जैसे दो शेर अगर हमारी मदद को खड़े हो जाते तो वो कुत्ता करोड़ी मल तुम दबाकर भाग जाता। रानी का नहीं, लाला का महीम कल फिर यहाँ आया था, शादी इसकी बेटी की और कन्यादान की रकम हमसे बटोरने चाहता। हम गरीबों की बस्ती को आग लगाकर यहाँ 40 माले की होटल बनाना चाहता है। बड़े ठाकुर अकेले ही चले आए, वो नागिन कहाँ है? वो नागिन नहीं है रे, गरीब गाय है बेचारी। बड़े ठाकुर ऐसा लगता है कि जो पर्दा मुन्नी बाई की वजह से मेरी आंखों पे पड़ गया था वही पर्दा अब तुम्हारी आंखों पे पड़ गया है। छोटे ठाकुर मैं तुम्हें भोलानाथ के चरण छू के विश्वास दिलाता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो गलत है। उस लड़की ने जो कुछ भी किया उसने अपनी गरीब माँ के लिए किया, और जानते हो छोटे ठाकुर सिर्फ वो ही नहीं उस बस्ती के सारे लोग दुखी हैं। एक साला करोड़ी मल है वहां, उस बस्ती को वीरान करके एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहता है। तब तो सब बेचारे बेघर भार हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे छोटे ठाकुर, बात समझ में आई? आ गई बड़े ठाकुर, ये करोड़ी मल का बच्चा जहां भी रहता हो उसके घर पे किला ठोक दिया जाए। तो सेठ करोड़ी मल आप ही हैं? जी हाँ सरकार, लेकिन ये शंकर शंभू हैं कौन? चंबल घाटी के मशहूर डाकू। अच्छा, चंबल घाटी के डाकू। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, इसे शंकर शंभू की फाइल में रख। अच्छा साहब। सेठ जी आप इत्मीनान से शादी का इंतजाम कीजिए, कल शाम को पुलिस के बंदोबस्त के साथ हम भी वहाँ होंगे, और अगर शंकर शंभू आएंगे तो जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। एंड मौके पर पहुंचे बड़े मियां, महफिल गर्म होने वाली है। आदावर से। अरे क्या बात कर रहे हो छोटे मियां, ट्रेन पटरी पर लेट हो जाए, हवाई जहाज हवा में लेट हो जाए, लेकिन हम किसी महफिल में लेट पहुंचे, नामुमकिन नामुमकिन। भाई जनाबे आला आपकी तारीफ। अगर यही सवाल मैं आप लोगों से करूँ तो जनाब आप हिंदुस्तान के मशहूर कवालों की जोड़ी नहीं पहचानते? जी नहीं। ये है बड़े मियां लखनऊ वाले। अच्छा। से। और ये है छोटे मियां झुमरी तलैया वाले। अच्छा। लो, अवाल भी आगे मुनीम जी, करोड़ी महल की रोकड़ में 1,000-2,000 का और घाटो, और ये घाटो पूरा नहीं हो सकेगा जब तक 20 महल का होटल नहीं बनेगा। और सुनो मुनीम जी, सवेरे सूर्य निकलने के साथ ही सारी झोपड़ पट्टी पर फिरवा दो रोलर, क्या समझे? रोलर। आप लोगों ने खामखा तकलीफ की, सेठ जी ने तो रक्कासा का इंतजाम किया है। हाँ हाँ वो देखो नश्तर बेगम जौनपुर वाली। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अकेली नश्तर क्या करेगी जनाब, जैसे मियाँ बिन बेगम और बेगम बिन मियाँ। जैसे नमक बिन डाल पाटी बिन दिया, चले बड़े मियाँ। ठीक है उन्हें तो घाटों पे घाटो। मुनीम जी सूरज निकलने से पहले सारी बस्ती पे फिरवा दियो रोलर। रोलर। इजाजत। हाँ चलिए 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 छोटे मियाँ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ लगता है इस डबल मूछड़ ने हमें पहचान लिया। बड़े मियाँ पुलिस वालों में भी तो हम जैसे मिरासी होते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। इन लोगों को पहचाना? नहीं सर। मेरा ख्याल है कि शंकर और शंभू यही लोग हैं। तो फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, शादी के रिसेप्शन में अगर गोली चलेगी तो गजब हो जाएगा। तो फिर तुम एक काम करो, अपना बंदोबस्त सख्त कर दो। बहुत अच्छा सर। तुम्हारी बज़्म में आकर दिखा दिया हमने।
करना है शौक से कीजिए। क्या कह रहे हो छोटे मियाँ? कि हम लूट में आए हैं, हम लूट के जाएंगे। जाएंगे हम लूट में आए हैं, हम लूट के जाएंगे। जाएंगे हम लूट में आए हैं, हम लूट जाएंगे। अरे आप लोग खामोखा घबरा गए, भाई हम दौलत के नहीं हुस्न के लुटेरे हैं। इस हुस्न की महफिल को, इस हुस्न की महफिल को, हर रूह को हर दिल को, हर रूह को हर दिल को, सांसों के तारानों को, सांसों के तारानों को, धड़कन के खजानों को, धड़कन के खजानों को, चांद सितारों को, चांद सितारों को, रंगी बहारों को, रंगी बहारों को, लूट के जाएंगे, जाएंगे हम लूट में आए हैं, हम लूट के जाएंगे, जाएंगे हम लूट में आए हैं, हम लूट के जाएंगे। हम उनके मुकाबिल थे, वो जान नहीं पाए, वो जान नहीं पाए, और किस रंग में डूबे हैं पहचान नहीं पाए, हमें पहचान नहीं पाए, पछताएंगे वो, पछताएंगे वो, क्या क्या जब होश में आएंगे, आएंगे हम लूट के आए हैं, हम लूट के जाएंगे, जाएंगे हम लूट के आए हैं, हम लूट जाएंगे। कुछ हक है गुलशन की बहारों पर, शादाब नजारों पर, फूलों की कतारों पर, इशरत के फसानों पर, राहत के जमानों पर, दुनिया की मसरत पर, धरती के खजानों पर, फैली हुई जंजीरें कुछ काम न आएंगी, तानी हुई शमशीरें कुछ काम न आएंगी, पहरे की है कीमत क्या तुम खुद ही समझ लोगे, और है राज हकीकत क्या तुम खुद ही समझ लोगे, उतरे हुए पैरों को, उतरे हुए पैरों को आईना दिखा, शान से जाएंगे, जाएंगे हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे, जाएंगे हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे, जाएंगे हम लूटने आए हैं, हम लूट जाएंगे। साहब साहब ये साहब करके आप लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए।
अगर किसी का पैर सांप पर पड़ गया तो सांप उसे काट लेगा। इंस्पेक्टर टॉर्च। बड़ी मियाँ, अरे चेहरे पे क्यों रोशनी मार रहे हो? सांप तो जमीन पे है, हमारे सर पे नहीं। नीचे मारो नीचे। छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर, इसमें से 1,00,000 रुपया हमें दे दो। क्यों क्यों? उस नागिन के लिए? ना ना, अरे कभी नहीं समझोगे छोटे ठाकुर। एक बात बताओ, हम ये रुपया क्यों लूटते हैं? भले कामों के लिए। क्या किसी गरीब बुढ़िया की जान बचाना भला काम है या बुरा? भला। और उसकी जान बचाने के लिए अगर हमें 1,00,000 रुपए की जरूरत हो तो? बात समझ में आई। जान बचाने के लिए रुपया क्या चीज है बड़े ठाकुर? अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी हर्ज है। नहीं नहीं, तुम दोनों की जान बहुत कीमती है। जरा सी हिलने की कोशिश की तो यह कीमती जान मुफ्त में चली जाएगी। बड़े ठाकुर, ये शहर वाले लोग होते बड़े बेशरम हैं। बिल्कुल सही छोटे ठाकुर, एक दफा कीला ठोक के उल्टा लटका दिया, अब फिर आ गए। मुलायदा फरमाइए। आपकी बार तुम लोगों को उल्टा लटकाया जाएगा। गेट अप, गेट अप, चलो उठो। अब तो उठना ही पड़ेगा बड़े ठाकुर। सोच क्या रहे, उठो छोटे ठाकुर। ठाकुर, ये अपनी मुंडी थी, इसकी मुंडी तो नीचे है। सही है छोटे ठाकुर, इस शहर वालों को उल्टे होने की बड़ी आदत है। चल बे, सीधा जा। मेरी तो छोटे ठाकुर, इन बदमाशों ने हमारा डर देख लिया। बात समझ में आई, हमें अपना डर फौरन बदलना चाहिए। सोच क्या रहे हो, उठाओ माल और चले। हवालदार, जरा साइकिल का ख्याल रखना। पता नहीं किस गधे ने टेलीग्राम भेजा, रात की नींद हराम कर दी। कौन है? तार वाला।
चालू भाई तुम्हारा नाम है? अरे लाइन क्लियर, चालू नहीं शालू। अच्छा बाबा अच्छा, गुस्सा क्यों करता है? लो दस्तखत करो। किसका तार है, क्या लिखा है? हमें क्या मालूम, इसी में लिखा होगा। ये क्या है? 1,00,000 रुपया तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। अरे ओ गरीबों के राजा, अगर तुमसे मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकती हूँ? बसाई के हनुमान के मंदिर में। बोला ना इसी में लिखा होगा। ए लड़की तार इधर लाओ। क्यों, कोई बुरी खबर है क्या? खबर कोई नहीं, उन दोनों डाकुओं में से एक तुम्हें उठाने आया था, हमें देखकर भाग गया। तकदीर अच्छी है तुम्हारी, जाओ सो जाओ। हाँ, तकदीर तो मेरी बहुत अच्छी है। भतीजे आजकल पुलिस वालों का शिकंजा जरा मजबूत होता जा रहा है, एक एक करके हमारे तमाम स्मगलर भाई पकड़े जा रहे हैं। चाचा जी अगर हम लोग भी पकड़ गए तो? इसीलिए तो भतीजे पुलिस वालों की निगाहें अपनी तरफ से मोड़कर शंकर शंभू की तरफ फेर देनी चाहिए। लेकिन चाचा जी यह होगा कैसे? यह खत लो और पुलिस डिपार्टमेंट को पहुंचा दो। आईजी साहब हम लोगों को आप कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही हमारे कारोबार को रोक सकते हैं, क्योंकि बाहर की एक ताकत हम लोगों की मदद कर रही है। हम अपने कारोबार का एक नमूना भेज रहे हैं, पहचानिए इन दोनों नोटों में से वो कौन सी नकली नोट है जो हम लोगों ने छापी है। शंकर शंभु। और ये लो 100-100 के दो नोट भी साथ में भेजवा दो। चाचा जी ये हमें तो बता दीजिए इनमें से कौन सी नकली नोट है। भतीजे हम लोग कोई नोट छापने वाले थोड़े ही हैं। अरे भाई दरअसल में ये दोनों असली हैं, तब भी तो पुलिस चक्कर खाएगी। अरे मान गए चाचा। कमाल है, अमल लगता तो नहीं कि इसमें कोई असली भी है नकली भी। और सर हमारे डिपार्टमेंट को धमकी भी दी है। अच्छा तुम एक काम करो कि ये नोट रिजर्व बैंक ले जाकर चेक करवा लो और ये ऐलान करवा दो कि शंकर और शंभू सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी हैं। दे आर एंटी नेशनलिस्ट। कहो मुन्नी भाई तुम्हारा जख्म कैसा है? जख्म तो ठीक हो गया है लेकिन निशान भी बाकी है। इधर कैसे आना होगा? इंस्पेक्टर साहब शंभू ठाकुर का कुछ पता चला? हाँ पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शंकर और शंभू दोनों बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे? इंस्पेक्टर शंकर और शंभू के बारे में तुम हमें कुछ बता सकती हो? जी जी नहीं। पिछली दफा तुम्हारी उनसे मुलाकात कब हुई थी? जब वो आपके घर से भागे थे। ओ आजकल वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम। शट अप, क्या तुमने पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बेवकूफ समझ रखा है? शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारी माँ का इलाज हो रहा है, रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। कह दो कि ये रुपया तुम्हारा बाप छोड़ गया था। जवाब दो, ये पैसा कहाँ से आया? बोलो। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तुम जा सकती हो। हवलदार नायक। यस सरकार। तुमने इस लड़की शालू को जाते हुए देखा है ना? यस सरकार देखा है। तो फिर भेष बदल कर इसका पीछा करो और शाम को हमको पूरी रिपोर्ट देना। कमान ना हो। यस सरकार। नहीं चाहिए। राम राम नाई साहब, कहाँ चले? ढूंढू। तुमसे 1,000 बार कहा है जब कभी काम पर जाया करूं तो टोका मत करो। बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा। जो
एक ही ज्यादा है बस, तो बात नहीं। पीछा कर रहा है? कब से मेरा पीछा तुम्हारा? कर रहा है? तुम्हारा रास्ते पे तेरी तो तेरा। उस लड़के का पीछा क्यों कर रहे हो? जा अपना काम कर। काम तो कर रहा हूँ। चाकू निकालता है बगाड़ी से। ढोंडू मुझे जाने दे। तो मेरा नाम भी जानता है, इसका मतलब ये है कि पुराना उजरी हो। क्यों नहीं है? वर्दी को हाथ लगाता, वर्दी को हाथ लगाता। बोल ढोंडू, मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। नौकरी से निकल जाएगा? पुलिस भाइयों, नली तोड़ दो, तोड़ दो नली। देख रहे क्या हो? ढोंडू पीटो लड़की का। नौकरी से निकलवा देगा। अरे आओ, चिंता पिता समान घबरा मत। तू अरे वाह, हवालदार का पाकिट मारता है। रख दे रख दे। पाकिट पाकिट। हाँ बस बच्चू, मुझे लड़की का पीछा करना था, वरना तुझे अभी बंद कर देता। फिर कोई बात नहीं, जाके थाने में बैठ जा। जब तक मैं नहीं आऊंगा हिलना नहीं, वरना मार मार के कचुमर कर दूंगा। दूर से घट घट। लड़की लड़की छोड़े ठाकुर, मैं भी आया। अबे जो तूने बड़े ठाकुर के कान में बोला है वो मेरे कान में बोल। नहीं तो नहीं तो नहीं तो तेरे दोनों कानों के बीच में सर डाल दूंगा। चल बोल इधर। कुटले राजू नदी किनारे। शंकर, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकती हूँ? कैसा एहसान? यही कि तुमने मेरी माँ की जिंदगी बचाई। जिंदगी का हिसाब किताब तो भोलानाथ रखते हैं, हमारा काम है कीला ठोकना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुमने मुझे यहाँ अकेला क्यों बुलाया? कोई लड़की किसी लड़के को अकेले में क्यों बुलाती है? मैं बताऊं? तुम बड़े वो हो। अरे वो छोकरे गुंडे के नाम यहाँ ले आओ, वरना वो खुद आना पड़ेगा। नहीं आता है कि भाइयों आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गए तुम? इधर तो नहीं आए, इधर नहीं, इधर तो नहीं, इधर तो नहीं, नहीं तो नहीं निकले। मालूम होता है आत्महत्या कर ली। सिपाहियों तुम यही चेहरो, मैं बड़े साहब को फोन करके आता हूँ। अरे बेवकूफ, वो खुदकुशी करने के लिए नहीं कूदे होंगे, बल्कि उन्होंने तुम्हें देख लिया होगा। तुम दोनों किनारों पर सख्त निगरानी रखो, मैं भी आ रहा हूँ। इस तरफ
पुलिस हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकती। तुम अपनी साड़ी बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। अपनी
चंबल घाटी का शेर मजनू हो गया। छोटे ठाकुर, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम, ये जानते हुए कि हम एक माँ बाप के नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा, लेकिन तुमने हमेशा फर्क रखा। तुम हमेशा मुझसे नफरत करते रहे, मैंने जहां प्यार किया वहां तुमने आग लगा दी, और अब तो होश में आओ छोटे ठाकुर। मुन्नी बाई और शालू में बहुत फर्क। हाँ हाँ, अब तो तुम्हें फर्क ही नजर आएगा। मुन्नी बाई तुम्हारे लिए कोठे वाली थी, और ये नागिन, ये सती सावित्री है। छोटे ठाकुर, हर चीज की हद होती है, अब बेहतर यही होगा कि तुम खामोश हो जाओ। हाँ हाँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें आज आखिरी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो तुम्हें आज इस नागिन का हाथ पकड़ना होगा, और या फिर मेरा। अब तुम जिंदगी भर इस नागिन के पल्लू से बंधे रहना, और भूल जाना कि तुम्हारा कोई भाई था। तुझमें हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू मेरा भाई नहीं है? छोटे ठाकुर, अरे तुझ जैसे भाई पे ऐसी हजारों छुरियां कुर्बान। बड़े ठाकुर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छोटे, माफ कर दिया रे, माफ कर दिया। ठाकुर, वो देखो, नागिन ने फंसा दिया। तो शहर से इतनी दूर तुम घूमने आई? पुलिस को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर, हमारे सब आदमी रेडी? जी। जाओ तुम। शंकर शंभू, बेहतर है कि अब तुम बाहर निकल आओ, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। अब क्या करें छोटे ठाकुर? करना क्या है बड़े ठाकुर, इससे करने की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चलो लीजिए आईजी साहब, हम लोग आ गए। शंकर, मुझे गलत मत समझना। हवलदार नायक, इन लोगों को हथकड़ी लगाओ। अरे रहने दे, सच्चाई के सामने सबूत क्या होते हैं। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ किसने मेरे शंकर शंभू को गिरफ्तार किया। चल चल मेरे साथ, चल। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? चलना फिरना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिंदगी? जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है वही मौत के मुंह में है, तो मैं ऐसी जिंदगी को लेकर क्या करूंगी। चल बेटी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए तुम काम कर रहे हो? वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिनकी तुम मदद कर रहे हो और हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? साहब, मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम देश का नुकसान नहीं कर रहे, हम देश की सेवा कर रहे हैं। भको मत। ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? ये लॉकेट बचपन से मेरे गले में है साहब। इंस्पेक्टर, इसे ले जाओ और शंकर को यहां लाओ। यस सर, चलो।
एक आईजी का बेटा और डाकू। साहब शंकर आ गए। शंभू तुम्हारा सगा भाई है? आईजी साहब सगे भाई से भी ज्यादा है। जो सवाल किया जाए उसका सच सच जवाब दो। ये सच है कि हम दोनों एक माँ बाप के नहीं, लेकिन हमारा प्यार राम और लक्ष्मण से कम नहीं। तो फिर शंभू के माँ बाप कौन थे? ये तो मैं भी नहीं जानता आईजी साहब, लेकिन इतना याद है कि नर्मदा नदी के किनारे शिवरात्रि के दिन बहुत साल पहले शंभू मेरे पिता लाखन सिंह को मिला था। देखिए मैं अपने पति के काम में दखल नहीं देती। वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन शंकर शंभू जैसे देवता पर इतना बड़ा कलंक लगे ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ जी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप आईजी साहब को समझाइए ना कि वो शंकर शंभू को माफ कर दे। माफ कर दूं? ऐसे मुजरिमों को जो देशद्रोही और कौम के गद्दार हैं। ऐसा ना कहिए सरकार, शंकर शंभू बेगुनाह है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? सबूत? सबूत मैं हूँ। मेरी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने लाख रुपए दिए। सबूत सारी सोपट पट्टी है जिनके पेट को रोटी और तन को कपड़ा दिया है सरकार। लूट का माल खैरात करने से किसी का गुनाह माफ नहीं हो जाता और न कोई महात्मा बन जाता है। आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सरकार, हम जाते, लेकिन याद रखिए सच्चाई कभी नहीं छू। आओ बेटी चलो। ये किसकी तस्वीर है? ये हमारे बच्चे थे, 15-16 साल पहले हमसे बिछड़ गए थे। क्यों? आप इसे जानती हैं क्या? कहाँ है ये बच्ची? ये बच्ची कहाँ है? बहन जी मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कहाँ है मेरी बच्ची बताइए। साहब, साहब, यही है आपकी बच्ची। हमारी बच्ची? माँ मैं इनकी बेटी? नहीं नहीं माँ। हाँ बेटी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। काश मेरा बेटा भी जिंदा होता। माँ, अरे क्या हुआ आपको? माँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मरते वक्त मेरी एक प्रार्थना पूरी कर दीजिए, शंकर शंभू को माफ कर दीजिए साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। तेरे जिंदा होने के बावजूद भी मैं दुनिया वालों से ये नहीं कह सकता कि तू मेरा बेटा है और जिंदा है, क्योंकि तू डाकू बन चुका है। एक आईजी पुलिस का बेटा और डाकू। मैं तो तेरी माँ से भी ये नहीं कह सकता कि उसका इकलौता बेटा लॉकअप की सलाखों के पीछे चल रहा है। आईजी स्पीकिंग। क्या शंकर शंभू भाग गए? ये क्या गजब किया बेटा तूने? पिता जी। यस। आजकल ये खबर आया है कि शंकर शंभू लॉकअप से भाग गए। भतीजे जिनका हिसाब साफ हो जाता है उनकी चर्चा बंद, यानी उनकी फाइल क्लोज। आज एक नई फाइल खोली जाएगी। किसकी फाइल? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री रंजीत सिंह की। बड़ा पुराना हिसाब चुकाना है उनका। ये लो भतीजे, खबर मिली है कि आईजी साहब की खोई हुई बेटी मिल गई है। चाचा जी। आईजी साहब तुम्हारी बेटी शालू इस वक्त हमारे कब्जे में है। हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे तो शालू नहीं
उसकी लाश मिलेगी। शंकर शंभू। अब क्या होगा? उन बदमाशों का क्या भरोसा? फिकर न करो लक्ष्मी, मुझे अपने फोन पर पूरा भरोसा है। शालू को कोई खतरा नहीं। ये मेरे भाई के कातिल की बेटी है। ये मत भूलिए चाचा जी, ये आपके भाई मेरे पिता थे। ये बदला मैं लूंगा। खून का बदला खून? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई हजारों साल पुरानी बात लगती है। और फिर ऐसी हसीन चीज से बदला भी हसीन लेना चाहिए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि दुश्मनी का बदला दोस्ती से और खून का बदला प्यार से चुकाऊंगा। चाचा जी, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। वाह भतीजे, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो। और ये आईजी साहब का दामाद बनने का जो आइडिया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। रिश्तेदार चार भी हो जाएंगे आईजी साहब के। वो तो हो जाएंगे, चाचा जो ठहरे। और भाई, ये मामला तो तुम दोनों का है, मैं थर्ड पार्टी कबाब में हड्डी। ऑल द बेस्ट। चलो डार्लिंग, जाने मन मेरा करीब आ। चाचा जी, क्या बात है डार्लिंग? हम दोनों के बीच तुम ये थर्ड पार्टी को क्यों बुला रहे हो? ओहो, तुम ये नहीं समझोगी, इस मर्ज का इलाज सिर्फ चाचा जी के पास है। ट्यूलिप, सुनो, इस लड़की को ऊपर ले जाओ। हरी आप कमान आउट क्विक। चाचा जी, मेरी आउट। आईजी साहब की बेटी कहाँ गई? मैंने उसे ऊपर भिजवा दिया। वेरी गुड। एजेंट 301 स्पीकिंग। हम अपना खास आदमी के साथ अरब के द्रेस में तुम्हारे लिए 5 करोड़ का डायमंड लेकर आ रहा है। मगर कब और कहाँ? मोटर लॉन्च में संडे मॉर्निंग को 9 बजे बेसिन का पॉइंट नंबर 3 पर। ओके ओवर। चमन, सुन लिया ना तुमने? संडे मॉर्निंग बसिन पॉइंट नंबर 3। अपने खास लोगों को लेकर जाना और बा इज्जत उन्हें लेकर यहाँ आ जाना। गन, अरे हाँ, बात तो सुनो, लगता है बहू के पांव बहुत लकी हैं। गो अहेड। पांच करोड़ के हीरे। तुम अपने चाचा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दो और फिर आईजी के दामाद बनकर करोड़ों का हेर फेर करो। तुम पर भरोसा करूं? कमाल है, जिसके साथ जिंदगी भर साथ निभाना है उस पर भरोसा नहीं करोगे तो और फिर किस पर करोगे? ठीक है। लेकिन तुम कोई वो 5 करोड़ की बात कर रहे थे। अरे डार्लिंग, अब 5 करोड़ क्या, अब तो तुम्हें जिंदगी के सब राज बताने पड़ेंगे। वादा? वादा। बड़े ठाकुर, ये हम पर उल्टी देशद्रोही की मोर किसने लगाई? छोटे ठाकुर, मुझे तो ऐसा लगता है ये वही दो होटल वाले कमीने हैं जिनको हमने 2 दफा उल्टा लटकाया था। बात समझ में आई तो फिर आज फैसला कर दे। देर किस बात की है, पहले खा लेते। मैं क्या छोटे प्राजी? आहो बड़े प्राजी, कुड़ी नू बेक रहे हो? आओ आज बेक ही लिए। फिर देर किस गल दी है छोटे प्राजी? चलो बड़े प्राजी, चलो। हम लोगों को गिरफ्तार करवाकर तुझे चैन नहीं पड़ा? कब इन लोगों के साथ मिल गई है? छोटे ठाकुर, मुझे आज मालूम पड़ा कि मुन्नी भाई और इसमें कोई फर्क नहीं है। तुम लोग गलत समझ रहे हो, पहले मुझे भी अपने बारे में कुछ पता नहीं था। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं आईजी साहब की बेटी हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए। ये नाटक तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुनाइट वी आर गोना प्रेजेंट यू। बात समझ में आई छोटे ठाकुर, चल चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने एक सरप्राइज आइटम पेश करने वाले हैं। थैंक यू। ये दुनिया ला 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 ला।
इधर नहीं कितना गौर, जरा वंस मोर। प्राजी, बात समझ में आई? और सुनियो, बात भी समझ में आई ते साड़ी सवारी भी आई। सुनने की हमको है बीमारी, हमको है बीमारी। अपनी इस बीमारी से है, अपनी इस बीमारी से है वाकिफ दुनिया सारी। ओए आ पहुंची है, ओए आ पहुंची है इस मेले में ताड़िया सवारी, ताड़िया सवारी। टूटी नहीं है यारी, मैं सदके मैं वारी। ओए आ पहुंची है, ओए आ पहुंची है इस मेले में साड़िया सवारी, साड़िया सवारी। छक्के छुटेंगे, वो बैठे बैठे वो छाती
ਸਾਡੀਆ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਹਮਕੋ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਆ ਸਵਾਰੀ यहाँ क्यों है? बड़ी पुरानी कहावत है भतीजे कि एक से भले दो और फिर बेटा 5 करोड़ का मामला भी तो है। छोटे ठाकुर आज हम असली जगह पर पहुंच गए। बड़े ठाकुर वो देखो देश के असली गद्दार भी आ गए। सोच कह रहे हो छोटे ठाकुर? चलो ड्रेगर्स हम रियल डायमंड्स इस पेटाल का हाय नकली तुम्हारे पास आई ना। यस बॉस। अगर कुंदान ने धोखा दिया तो हम उसको नकली हीरा देगा। Give them sickness. ऐसे लगता है। आखिर हमारा कसूर क्या है? आप लोग खफा क्यों हैं? बड़ा बस तुम बोलो। कुंदन हमने आने का अतला सिर्फ तुम लोगों को दिया। इन बदमाशों को कैसे पता चला? हमारे को तो बहुत तकलीफ होता छोटा बस तुम समझा। भतीजे इन दोनों ने हम पर हमला किया और बड़ा बस का टांग टूट गया। बदमाश के बच्चे बस पर हमला किया। भतीजे इन दोनों को उठाकर पानी भेजो। हाय अल्लाह। आज ही खसरम जहां पास बड़ा अच्छा हुआ। छोटा बॉस बड़ा बॉस आइए तशरीफ लाइए। कैसे तशरीफ लेकर जाएगा? बड़ा बॉस का टांग टूट गया है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था मगर आप फिक्र मत कीजिए हम इन्हें सर आंखों पर ले जाएंगे। आप चलिए जरा हाथ देना। आइए आइए हुजूर आइए। आहिस्ता 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 हाँ बड़े आराम से। बहुत बढ़ता जा रहा है बहुत बढ़ता जा रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत बढ़ता जा रहा है। शुरू हो गया है लेकिन आप परवाह न कीजिए मैं यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला दूंगा साहब मगर वो हीरे। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुंदन तुम देखता नहीं हमारा टांग हवा में लटका हुआ है। और तुम हीरे का बात करता है। आई एम वेरी सॉरी मुझे बड़ा अफसोस है मगर यहाँ कोई खतरे की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ दाढ़ी निकाल दीजिए कपड़े भी बदल लीजिए और जबान भी बदल सकते हैं। ला हौल वला कुव्वत। छोटा बॉस बड़ा बॉस तुम ही समझा दो ना। ओके छोटा बॉस कुंदन तुमको मालूम होना चाहिए कि हम जिस माफिक लबास पहनता है उस माफिक जबान बोलता है और आज तक हमारा असली सूरत किसी ने नहीं देखा और जो देखेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। सही वल्ला जिंदा नहीं रहेगा वल्ला।
कुंदन। बॉस मेरा नाम कुंदन नहीं है, कुंदन है। कुंदन कुंदन एक ही बात है, लेकिन कुंदन ये सामने जलवा क्या नजर आता है? जलवा? अरे ये तो शालू है। शालू कम है। ये शालू है? शालू हो या चालू, ये लड़की हमको बहुत पसंद है। कुंदन अभी डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं, इस हसीन लड़के का हाथ का मालिश से हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्ला क्या करता है तुम, ठीक से पकड़ो, बड़ा बॉस का वो टांग टूट गया तो। करेक्ट बोला छोटा बॉस। अरे बिहारी पार्सल, बड़े बॉस को पकड़ना और बहुत कमाल के बहुत आराम से ऊपर वाले बेडरूम में। चालू जरा जल्दी आना, हमारा दिल का दर्द बढ़ता जा रहा है। चालू और शालू। शालू जाके उसकी मालिश तो कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे पागल लड़की, 5 करोड़ का मामला है। अरे 5 करोड़ का, जल्दी भाग। लेकिन चाचा ये तो आपकी होने वाली बहू है। तुम बरखुरदार एकदम बच्चे हो, यही तो चाचा भतीजे में फर्क है। तुम दोनों तो बस दिहाती के दिहाती हो। जरा सोचो, अगर मैं उन दोनों से मिलकर तुम दोनों को खबर न देती तो आज तुम दोनों अरब बनकर यहाँ कैसे पहुँचते? वो नाच और गाना तो एक नाटक था। आज समझ में आई बड़े ठाकुर, लेकिन अब क्या करें? अरे करना क्या है छोटे ठाकुर, उस उल्लू चाचा और गधा भतीजा के लिए हम दोनों काफी हैं। तो फिर चलो। नहीं नहीं, अब तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए। कानून की मदद? और हम लोग? छोटे ठाकुर, शालू ठीक कहती है, तुम अपने पिता जी को फोन करो और पुलिस को यह फॉर्म बुलवा लो। अच्छा। चलो। छोटा बॉस हमारा बात मान लो, शालू कमाल का लड़की है। अरे बड़ा बॉस, आप तो अपने पैरों पे चलने लगे, लगता है आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया। वाला शालू ने चालू कर दिया। तो फिर चलिए, चाचा जी ने याद फरमाया। चलो बड़ा बॉस। चलो छोटे बॉस। मगर बॉस वो 5 करोड़ के हीरे तो आपने हमारे दिए ही नहीं अभी तक। वो वाला हम तो भूल ही गया, छोटा बॉस ने हीरा दे दो कुंदन को। बड़ा बॉस हीरा तो तुम्हारे पास है। वो वाला हमारे पास है। बदमाश छोकरा कुंदन। थैंक यू सर, थैंक यू। मगर बड़ा बॉस एक हिसाब तो रही गया, उल्लू चाचा और कदा भतीजा नहीं है, बल्कि उल्लू शंकर है और कदा शंकर। हीरे तो मुझे मिल गए, अब तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है। चंबल घाटी के 2 खतरनाक डाकू पुलिस की गोली से नहीं मरेंगे, बल्कि कुंदन की गोली से मरेंगे। खेल में मजा नहीं आया छोटे ठाकुर। बड़े ठाकुर, जब सामने वाला खिलाड़ी अनाड़ी हो तो खेल में कैसे मजा आवे? क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूं कुंदन साहब, अर्ज कर रहा हूं। पहले आप ये तो मुलायदा फरमाइए कि आपके हीरे असली हैं या नकली? नकली? बड़े ठाकुर, अगर इनमें असली और नकली को पहचानने की तमीज होती तो ये हम दोनों को नहीं पहचान जाते। कांच के टुकड़े असली हीरे कहाँ है? छोटे ठाकुर, ये बेवकूफ इतना भी नहीं समझता कि अगर हमने इसे असली हीरों का पता बता दिया तो ये हमें दिशुं दिशुं कर देगा। भतीजे ये लोग बातों में वक्त जाया कर रहे हैं, जानते हो क्यों? जानता हूँ चाचा जी। इनका ख्याल है कि शालू ने अपने बाप यानी कि आईजी साहब को फोन कर दिया होगा और पुलिस पहुंचने वाली है। मगर बेचारे इतना नहीं जानते शालू क्या है। शंकर शंभू, अगर तुमने अभी नहीं बताया कि असली हीरे कहाँ है तो मैं 5 तक गिनूंगा और उसके बाद इस लड़की को गोली मार दूंगा। 1, 2, 3।
असली हीरे इसमें है। भतीजे? चाचा और भतीजे का फर्क दरअसल आज कम हुआ है। ये तो है, अब हम लोग 5 करोड़ के हीरे के मालिक बन गए हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं चाचा, सिर्फ मैं। क्या मतलब है? पिस्तौल फेंक दो। मगर पिस्तौल बार के पीछे फेंक दो, चलो। फेंक दो ना चाचा, फेंक दो। कभी सुन भी लिया करो चाचा। एक बात याद रखना भतीजे, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। चाचा जी, ये तमाम आदमी अब आपका कहना नहीं, मेरा कहना मानेंगे, क्योंकि 5 करोड़ के हीरे मेरे पास है और हम इनके बराबर के हिस्सेदार हैं। क्यों चमन साहब? और तुम में और शंकर शंभू में फर्क ही क्या है? ये दोनों डाकू हैं और तुम चोर, इसलिए तुम मिलाइन में खड़ा हो जाओ। चलो चलो, आइए चाचा आइए। अब ये बताइए कि आपके भतीजे से बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं? जी हाँ है, मगर आपको क्यों बताएं? तुम तो हमारा दुश्मन हो। अच्छा? चाचा अब दुश्मनी कैसी, अब तो सब साथ ही मरना है। नहीं बेटे, चाचा बहुतों को लेकर मरेगा। चाचा से निपटो, मैं भतीजे का भूत उड़ाता हूं। बहुत हरामी हो चाचा। सरदार, अभी तक चाचा और भतीजे का फर्क नहीं पता चला। सुन नतीजे, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, अब भी मान जा। मौका किसको दे दे चाचा, मैं कोई भिखारी नहीं। वक्त आ गया है। तो मगर मैं ये सोच रहा हूं कि तुम दोनों में से पहले किसे मारूं, शंभू तुमको नहीं, शंकर तुम्हें, इसलिए कि तुम बड़े हो ना। शंकर
शंकर शंभू, तुम्हारे ऊपर से देशद्रोही होने का इल्जाम तो खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारे पिछले गुनाहों और लॉकअप तोड़कर भागने की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बेहतर यही है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आईजी साहब, शंकर शंभू को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं। आप अपने आदमियों से कह दीजिए कि अपनी बंदूकें फेंक दें और हमें यहां से जाने दें, वरना आपकी इकलौती बेटी भगवान को प्यारी हो जाएगी। आईजी साहब, शंभू ठीक कहता है, वक्त खराब मत करो। आज तक हम दोनों ने कोई हत्या नहीं की है, हमें मजबूर मत करो। हट जाओ, हटो। खबरदार, उस तरफ चले तो गोली मार दूंगा। पप्पू, ये तू क्या कर रहा है? भाई तो अपनी बहन की रक्षा करते हैं और तू अपनी बहन को गोली मारना चाहता है? ये हमारा पप्पू है। हाँ, इसके गले में भी वही लॉकेट जो तुमने बचपन में इसे पहनाया था और मैंने पुलिस स्टेशन में देखी है। आईजी साहब, लॉकेट से क्या होता है? बेटा, ऐसा ही एक लॉकेट तुम्हारी बहन शालू के गले में भी था। याद करो, आज से बहुत साल पहले जब हमारी जीप नर्मदा नदी के पुल पर से जा रही थी, उस मेरे बिछड़े हुए सारे परिवार को मिला दिया। आईजी साहब, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, लेकिन एक शर्त पर, हम दोनों को एक ही हथकड़ी में जकड़ा जाए और एक ही जेल में रखें। सजा चाहे 6 महीने की हो या 2 साल की। हवलदार नायक। यस सरकार। दोनों को एक ही हथकड़ी में बांधो। बेटा शंभू, मुन्नी बेटी ने हमें सब कुछ बता दिया। उसने जिंदगी में सिर्फ एक भूल की थी, हमने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। मेरे माफ करने से कुछ नहीं होगा पिताजी, जब तक बड़े ठाकुर हाँ ना कहें मैं कुछ नहीं कह सकता। छोटे ठाकुर, अब ये छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर का ड्रामा छोड़ो, तुम लोग साले बहनोई होने वाले हो, समझे? ओए मैं क्या प्राची, ओए बात समझ में आई? बात समझ में आई और सड्डी सवारी भी आई। ओए हाँ, पहुंची है इस मेले में साड़ियां सवार।